काली नजर। माँ माँ, अरे क्या माँ माँ कर रहा है, बकरी का बच्चा है क्या? अरे माँ मजाक छोड़ो, मुझे फाइनली वो मेन चौराहे वाली दुकान मिल गई है, अब देखना आपका बेटा दुगनी स्पीड से पैसा कमाएगा। उफ़ ये क्या, मेरी ऑनलाइन मेकअप क्लास चल रही है, इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो आप दोनों? अरे मेरी धर्म पत्नी जी, मेकअप क्लास बाद में करना, वो चौराहे वाली दुकान मिल गई है हमको। अरे वाह, रुको मैं अपनी माँ को फोन लगा कर बता देती हूँ। अरे मैं भी अपने रिश्तेदारों को बता देती हूँ, कितनी खुशी की बात है। हाँ हाँ मैं भी अपने दोस्तों को बता देता हूँ, एक हफ्ते बाद रजिस्ट्री है। बस घर में खुशी का मौका था, उन तीनों ने अपने अपने फोन उठाए और लोगों में बात फैलाना शुरू कर दिया। और रही सही कसर श्वेता बहू ने अपने पड़ोस में सबको बता कर कर दी। अरे वर्मा आंटी, अब हम भी जल्दी कार ले लेंगे, घर का रेनोवेशन होगा और ठाट से रहेंगे हम भी। अरे ऐसा क्या हुआ, लॉटरी बाटरी लग गई है क्या? अरे इस बार चौराहे वाली मॉल में हमको भी दुकान मिल गई है, दुकान नंबर 21 जो एकदम चौराहे पर है। अब ग्राहक बढ़ेंगे तो आमदनी भी बढ़ेगी ही ना? अरे वाह कितनी खुशी की बात है, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें इतना खुश देख के। बाकी एक बात कहूँ, सबको मत बताते फिरना, किसी की नजर लग जाएगी तो खुशी की खबर वापस लौट जाएगी। हैं? ऐसे थोड़ी ना होता है, अब डरा रही हूँ। अरे सही कह रही हूँ, काली नजर कहते हैं इस चीज को, जब आप किसी को कुछ बताओ और वो काम बिगड़ जाए। अरे लेकिन मैं तो, तुमने सबको बता दिया ना? हाँ फोन लगा लगा के। अब बच के रहना, काली नजर बड़ी खतरनाक होती है। श्वेता इतनी खुश रहती है कि वो वर्मा आंटी की बात पर ध्यान ही नहीं देती, जबकि पड़ोस में और भी लोगों से खुशी की खबर शेयर करती रहती है। अगले दिन राजेश बहुत दुखी होकर घर आता है। अरे बेटा क्या हुआ, मुंह क्यों सूजा हुआ है, मधुमक्खी ने काट लिया क्या? माँ वो दुकान किसी और के पास चली गई, किसी ने ज्यादा भाव लगा दिया। अरे पर बात तो आपसे हुई थी ना उस दुकान वाले की? हाँ आज मैं टोकन अमाउंट देने गया था, तब मुझे पता चला कोई आकर सुबह मुझसे पहले ही ज्यादा अमाउंट दे गया। काली नजर। क्या क्या कहा? वर्मा आंटी ने समझाया था कि किसी को बताना मत वरना काली नजर लग जाएगी। अच्छा तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। उनकी बात मान लेती लेकिन उसके पहले ही सबको बता चुके थे ना हम तीनों। अरे अगली बार से ध्यान रखेंगे, कोई भी नई चीज होगी तो किसी को नहीं बताएंगे। तीनों कुछ दिन ऐसे ही रहते हैं, पर एक दिन श्वेता को एक मेल आता है। राजेश मेरा ऑनलाइन मेकअप कोर्स कंप्लीट हो गया, अब मैं खुद का पार्लर खोल सकती हूँ। अरे वाह, अपने मोहल्ले में ही खोलते हैं, ये जो घर के सामने दुकान है ना वहीं। हाँ यहाँ सस्ती भी मिल जाएगी। अगले दिन श्वेता वर्मा आंटी के पास जाती है मिठाई का डब्बा लेकर। अरे आओ आओ, कैसे आना हुआ? जोर से नहीं बोलूंगी, वो सामने वाली दुकान है ना, वहाँ मैं अपनी पार्लर की दुकान खोलने वाली हूँ, उसकी मिठाई है। अरे वाह बहुत बधाई हो तुमको। हाँ मैं कमाने लगूंगी तो राजेश पर पूरे घर का बोझ नहीं रहेगा ना आंटी जी। ये तो है, पर ये बता कि तूने ये बात किसी और को तो नहीं बताई ना? अरे नहीं नहीं, पिछली बार गलती कर दी थी, काली नजर लगी किसी की और राजेश के हाथ से वो दुकान चली गई थी। सबको मत बताना। चलो मैं चलती हूँ, कल दुकान की बात करने भी तो जाना है। अगले दिन श्वेता दुकान के लिए मालिक से बात करने जाती है। अरे लेकिन दुकान तो हम कल रात को ही किसी को दे चुके हैं। कल ही? हाँ कल ही, दो दिन बाद कोई यहाँ पार्लर भी खोल लेगा, अब कहीं और दुकान देख लीजिए।
अरे पर हमको भी तो पार्लर ही खोलना था भैया, एक ही दुकान है, आधी आधी तो नहीं दे सकता ना मैं। राजेश और श्वेता घर पर हताश होकर आ जाते हैं। इस बार तो किसी को बताया भी नहीं था, अब किसकी काली नजर लग सकती है। सुनो, तुमने माँ को बताया था क्या? अरे कैसी बात कर रही हो, माँ की नजर थोड़ी ना लगेगी। पक्का तुमने किसी को नहीं बताया था ना? सिर्फ वर्मा आंटी को बताया था, उन्होंने ही मुझे किसी को नहीं बताने को कहा। अरे यार तुम भी सही हो, मेरी माँ को नहीं बताने को कह रही हो, पर वर्मा आंटी को बताना तुम्हें जरूरी लगा। अरे वर्मा आंटी ने ही तो काली नजर के बारे में बताया था ना, वो हमेशा हमारा भला ही तो चाहती है। मेरी माँ भी हमारा भला ही चाहती है। अरे पर चिल्ला क्यों रहे हो, बात नहीं कर सकते क्या आराम से? नहीं आता आराम से बात करना, और करना भी नहीं चाहता हूँ मैं। दुकान जाने का दुख गुस्से में बदल गया था और राजेश और श्वेता में बात बंद हो गई थी। दो दिन बाद मोहल्ले में पार्लर का इनॉग्रेशन हुआ, जिसमें मोहल्ले के सभी लोगों को बुलाया गया, पर श्वेता, राजेश और माँ नहीं जाते। माँ अंदर आ जाओ, क्या देख रही हो? अरे नया पार्लर देख रही हूँ अपने आंगन से। देखो माँ को दूसरे का सुख देखने में कितना मजा आ रहा है, मेरा दुख नहीं दिख रहा इन्हें। यहाँ मेरा पार्लर भी तो हो सकता था। अरे चुप रहो यार, हर बात में लड़ाई क्यों ढूंढ रही हो? राजेश और श्वेता फिर बहस करने लगते थे, तभी माँ ने दोनों को बाहर बुलाया। अरे जरा देखो तो दुकान चलाने वाले का बोर्ड पर नाम क्या लिखा है? श्रुति वर्मा। गाड़ी निकाल बेटा, हमें कहीं जाना है। काली नजर का इलाज कराने? राजेश अपनी बाइक निकालता है। तीनों ट्रिपलिंग कर रहे हैं। माँ राजेश को उस मॉल वाली दुकान पर लेकर जाती है जहाँ राजेश अपनी दुकान खोलने वाला था। यही दुकान लेना चाहता था ना तू? हाँ, पर इनको भी दुखी करने लेकर आई हो क्या यहाँ पर दुकान दिखाकर? वहाँ काफी नहीं था? अरे श्वेता थोड़ा सब्र रख, अभी पता चलेगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। बता इस दुकान चलाने वाले का नाम क्या है? अनुपम वर्मा। कुछ समझ में आया? वो दुकान वाली श्रुति वर्मा, ये दुकान वाला अनुपम वर्मा, और हमारे पड़ोस में हमने उस दुकानों के बारे में बताया किसको था? वर्मा आंटी को। मतलब वर्मा आंटी ही हमारा काम बिगाड़ रही है? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये बस इत्तेफाक है। राजेश अपना फोन निकालता है और श्रुति वर्मा और अनुपम वर्मा के नाम फेसबुक पर सर्च करता है, जहां ये दोनों ही वर्मा आंटी के रिश्तेदार होते हैं। श्वेता को समझ में आ जाता है कि वर्मा आंटी की ही नजर खाली नजर है। अब क्या करना है? कोई भी खुशी की खबर हो तो काली नजर से बचना है, यानी वर्मा आंटी से बचना है। अरे पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगी। अरे बेटा एक सीख है, दूर के आदमी को आपकी तरक्की से कम परेशानी होगी, पड़ोसी को ज्यादा। दोनों माँ की बात में हामी भरते हैं और अगला काम चुपचाप करने की कसम खाते हैं, ताकि आगे से वर्मा आंटी कोई काम ना बिगाड़ सके।